नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है इवेल्युएट अब हमें इन सब की वैल्यू इवेलुएट करनी है निकालनी है तो कैसे निकालेंगे फर्स्ट पार्ट लिख लेते हैं अपना इस क्वेश्चन को करने से पहले प्लीज लास्ट की वीडियो ज़रूर देख लें उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवेन है या आप मेरी साइट डब्लू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट ई लर्न मैस डॉट इन पर जाएँ सिंपली क्लास क्लिक करें बुक क्लिक करें और ड्रॉप डाउन के थ्रू किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का प्लेलिस्ट देख सकते हैं अब फर्स्ट पार्ट में कह रहा है माइनस टू अपॉन थ्री की पावर टू और होल की पावर माइनस टू तो कैसे करेंगे तो देखिए जब भी ए की पावर एन और बाहर एम होता है तो हम क्या करते हैं ए की पावर एन इन टू एम कर देते हैं राइट तो ये क्या आ जाएगी देखिए माइनस टू अपॉन थ्री की पावर क्या हो जाएगी इस टू की मल्टीप्लाई इस माइनस टू से हो जाएगी तो टू मल्टीप्लाइड बाय माइनस टू हो जाएगी तो ये कितना आ जाएगा देखिए माइनस टू अपॉन थ्री एज इट इज आप सबसे पहले साइन की मल्टीप्लाई करिएगा प्लस माइनस माइनस एंड टू टूज ऑफ फोर अब ये चीज़ हमने सॉल्व करनी अभी अभी सीखी थी अब पावर हम क्या करेंगे माइनस की पावर को प्लस का करेंगे तो कैसे करेंगे माइनस साइन तो एज इट इज़ रहेगा जो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आ गई वैल्यू और जो न्यूमरेटर में थी वो डिनोमिनेटर में और हमारी पावर पॉजिटिव हो गई अब जब भी नेगेटिव साइन की पावर इवन होती है तो आंसर प्लस में आता है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है अब थ्री की पावर फोर ऐसे लिख लीजिए या डायरेक्टली इससे नेक्स्ट वाला स्टेप लिख लीजिए बात एक ही है ये स्टेप आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं तो थ्री की पावर फोर का मतलब थ्री की फोर टाइम्स मल्टीप्लाई और टू की पावर फोर का मतलब है टू की फोर टाइम्स मल्टीप्लाई तो कितना आ गया देखिए थ्री थ्री इज ऑन नाइन नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन थ्री एटी वन इसी तरीके से टू टू ज़ा फोर टू ज़ा एट एट टू ज़ा सिक्सटीन तो एट्टी वन अपॉन सिक्सटीन इज द आंसर लेट्स ले नेक्स्ट पार्ट नाउ सेकेंड पार्ट में कह रहा है माइनस वन अपॉन थ्री की पावर टू उसकी पावर माइनस टू एंड होल की पावर माइनस वन तो मैंने आपको बताया था जब भी ए की पावर एन और आउटर पावर एम होती है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ए की पावर एन मल्टीप्लाइड बाय एम कर लेते हैं तो माइनस वन अपॉइंट थ्री की पावर क्या हो जाएगी इन सब पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे टू इंटू माइनस टू इंटू माइनस वन तो अब इसको क्या लिख सकते हैं माइनस वन अपॉइंट थ्री की पावर तो देखिए प्लस माइनस माइनस होता है और जो माइनस आया उसकी मल्टीप्लाई माइनस में हुई तो प्लस हो गया तो पावर प्लस की आएगी अब क्या आएगी टू टू ज फोर फोर वन ज फोर तो प्लस की फोर आ गई पावर अब माइनस की नहीं है माइनस की होती तो हमें प्लस की करनी पड़ती पावर क्योंकि यहाँ पे प्लस की ही पावर है तो अब हम सीधा इसको सॉल्व कर देंगे अब देखिए माइनस की साइन की पावर इवन है तो आंसर प्लस में आएगा तो प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं है अब वन की पावर फोर का मतलब वन की फोर टाइम्स मल्टीप्लाई और थ्री की पावर फोर का मतलब है थ्री की फोर टाइम्स मल्टीप्लाई सॉल्व कर लेंगे वन की कितनी बार भी मल्टीप्लाई करें वन ही आएगा थ्री थ्री इज अर नाइन नाइन थ्री ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन एट्टी वन तो वन अपॉन एट्टी वन इज द आंसर लेट्स ले लास्ट पार्ट नाउ थर्ड पार्ट है हमारा थ्री अपॉन टू की पावर माइनस टू की पावर टू इसको सॉल्व करना है तो देखिए थ्री अपॉन टू की पावर क्या हो जाएगी पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो माइनस टू की मल्टीप्लाई टू में तो ये क्या आ जाएगा थ्री अपॉन टू एज इट इज और हमें पता है माइनस प्लस माइनस और टू टू ज फोर अब क्योंकि पावर नेगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव कर लेंगे तो कैसे करेंगे जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर में आ गया और जो न्यूमरेटर में था वो डिनोमिनेटर में आ गया होल की पावर फोर अब पावर पॉजिटिव हो गई तो टू की फोर टाइम्स मल्टीप्लाई और थ्री की फोर टाइम्स मल्टीप्लाई टू थ्री एंड फोर अब आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे टू टू जा फोर फोर टू जा एट एट टू जा सिक्सटीन इसी तरीके से थ्री थ्री जा नाइन नाइन थ्री ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन थ्री एट्टी वन तो न अपॉन एट्टी वन इज द आंसर लेट्स यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ इस क्वेश्चन में कह रहा है इवैल्यूएट हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्वेश्चन लिख लेते हैं सबसे पहले वन अपॉन थ्री की पावर माइनस थ्री माइनस वन अपॉन टू की पावर माइनस थ्री की होल ब्रैकेट बंद डिवाइडेड बाय वन अपॉन फोर की पावर माइनस थ्री तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो देखिए सबसे पहले हम अपनी पावर्स पॉजिटिव कर लेते हैं तो पावर पॉजिटिव करेंगे तो ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमरेटर में चली जाएगी और न्यूमरेटर वाली वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी तो क्या लिख लेंगे इसको थ्री अपॉन वन की पावर थ्री माइनस टू अपॉन वन की पावर थ्री ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय वन अपॉन फोर था तो फोर अपॉन वन की पावर थ्री गई पावर पॉजिटिव हो गए अब सबकी पावर पॉजिटिव हो गई अब थ्री अपॉन वन लिखें या थ्री लिखें बात एक ही है तो ब्रैकेट क्लोज थ्री की पावर थ्री माइनस टू की पावर थ्री क्यों ऐसे लिखा है क्योंकि ए अपॉन वन लिखें या ए लिखें बात एक ही है इसलिए मैंने यहाँ पे थ्री अपॉन वन को थ्री लिख दिया है ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय फोर की पावर थ्री अब इसको सॉल्व कर लेंगे कैसे देखिए थ्री की पावर थ्री का मतलब क्या है यहां साइड में लिख रही हूं थ्री की पावर थ्री का मतलब है थ्री की थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई जो मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है ट्वेंटी सेवन तो यहां पे ट्वेंटी सेवन लिख देंगे माइनस अब टू की पावर थ्री का मतलब है टू की थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई जो कितना आ रहा है एट आ रहा है तो यहां पे एट लिख देंगे डिवाइडेड बाय फोर की पावर थ्री का मतलब है फोर की थ्री टाइम्स मल्टीप्लाई जो कितना है सिक्सटी फोर तो यहां दिया आप देखिए ट्वेंटी सेवन में से एट गए पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा तो ट्वेंटी सेवन में से एट गए नाइनटीन डिवाइडेड बाय सिक्सटी फोर तो हम इसको क्या लिख सकते हैं नाइनटीन अपॉन सिक्सटी फोर भी लिख सकते हैं तो दैट्स इट आगे कट नहीं सकता है तो दैट्स वाई दिस इज द आंसर लेज यू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ